सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उम्र के 7 दशक पार कर चुके हैं। बॉलीवुड में बिग बी को 40 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमिताभ बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले, दीवार और जंजीर जैसी न जाने कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले अमिताभ पहली बार रंगमंच पर कब उतरे थे? यकीनन आप सब बिग बी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उनके कुछ राज आज भी राज ही बने हैं, जिनसे कई बार वो खुद पर्दा उठाते हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर इस राज से भी पर्दा उठाया कि वो पहली बार स्टेज पर कितनी छोटी सी उम्र में आए थे। बच्चन साहब को रोल भी क्या मिला था, मुर्गी के छोटे से बच्चे का। आप खुद अमिताभ की जुबानी सुन लीजिए उनके पहले अभिनय की पूरी कहानी। सेंट मैरीज कॉन्वेंट था इलाहाबाद में, उसमें किंडरगार्टन से लेकर के मुझे याद है हम लोग स्टेज वेज पे काम करते थे, और किंडरगार्टन में जो हमने प्ले किया था शायद उसमें एक भूमिका जो मुझे मिली थी वो एक छोटा चिकन का बच्चा होता है उसकी भूमि था, परवर लगा कर कैसे कूदना था, और तब से एक लगाव रहा है। और कोई ऐसा वर्ष मुझे याद नहीं है जहाँ पर मैंने स्कूल में या स्कूल के प्ले में काम न किया हो। अमिताभ बच्चन ने मुर्गी के नन्हे से बच्चे का किरदार निभाकर अभिनय के जिस सफर की शुरुआत की वो उम्र के इस दौर पर भी जारी है। भले ही अमिताभ के जीवन में न जाने कितने अग्निपथ आए, लेकिन उन्होंने हमेशा इन अग्निपथ को विजय पथ में बदल दिया। बॉलीवुड के ऐसे कई किस्से हैं जो हम आप तक लाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए लहरें रेट्रो।